Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, we will have some more questions in our GK class today. I will understand that first I will explain it and after that I will send it to you. It has to write to you and learn also. Okay, students. आज हम जीके की क्लास में कुछ क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे पढ़ेंगे सबसे पहले मैं उसे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे कि आप उसे अच्छे से समझ पाओ उसे अच्छे से राइट कर पाओगे ओके okay, स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूँगी और उसके बाद ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करूँगी और आप लोगों को ये क्वेश्चंस राइट करने हैं अपनी नोटबुक में और उसके बाद आपको ये लर्न भी करने हैं ओके स्टूडेंट्स ओके लेट स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन ए डे हाउ मैनी आवर्स आवर्स मीन्स होता है घंटे कितने घंटे होते हैं आर देयर इन ए डे डे मीन्स दिन मीन्स एक दिन में कितने घंटे होते हैं हाउ मैनी आवर्स कितने घंटे होते हैं कितने एक दिन में कितने घंटे होते हैं आंसर इज़ ट्वेंटी फोर आवर्स मीन्स चौबीस घंटे ओके स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी ज़ीरोज़ आर देयर इन ए टू हंड्रेड रुपी नोट मीन्स दो सौ रुपये के नोट में जो आपका दो सौ का नोट होता है टू हंड्रेड रुपीज़ जो होते हैं आपके उसमें कितने ज़ीरो होते हैं जानते हैं आप सभी देखा है आपने टू हंड्रेड रुपीज़ नोट ओके okay. तो आपको ये बताना है कि हाउ मैनी ज़ीरोज़ आर देयर इन ए टू हंड्रेड रुपी नोट मीन्स दो सौ रुपये के नोट में कितने ज़ीरो होते हैं टू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी बोन्स बोन्स मीन्स होता है हड्डियाँ हमारे शरीर में बोन्स होती है ना हड्डियाँ होती है ना हमारे शरीर में तो आपको ये बताना है कि हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं कितनी होती है आंसर इज टू हंड्रेड सिक्स ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेस्टिवल इज़ ऑल्सो नॉन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स मीन्स कौन सा फेस्टिवल फेस्टिवल का मतलब होता है त्यौहार कौन सा त्यौहार फेस्टिवल ऑफ लाइट रोशनी के त्यौहार के नाम से जाना जाता है बच्चों आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा आप कौन से फेस्टिवल पे इंजॉय करते हो जिस दिन बहुत सारी लाइट्स जलाते हैं हम बहुत सारे पटाखे छोड़ते हैं बहुत सारी स्वीट्स बनती है गॉडेज लक्ष्मी की पूजा होती है तो कौन सा फेस्टिवल होता है वो जिस दिन हर जगह रोशनी और रोशनी दिखाई देती है येस yes, दिवाली ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डू यू कॉल अ शेप विच हैज़ थ्री साइड्स अब देखिए बच्चों आपको ये शेप दिखाई दे रही है इसके कितने साइड्स हैं थ्री साइड्स कितने साइड है इसके थ्री साइड्स तो बच्चों जिसके थ्री साइड्स होते हैं ऐसी शेप को क्या कहा जाता है या फिर इस शेप का क्या नाम होता है ट्रायंगल आपने पढ़ा है ना ट्रायंगल ओके स्टूडेंट्स आई एम रिपीट अगेन फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन ए डे एक दिन में कितने घंटे होते हैं आंसर इज़ ट्वेंटी फोर आवर्स ओके सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी ज़ीरोज़ आर देयर इन अ टू हंड्रेड रुपी नोट दो सौ रुपये के नोट में कितने ज़ीरो होते हैं आंसर इज़ टू हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी होता है मनुष्य का शरीर मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है आंसर इज टू हंड्रेड सिक्स ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स रोशनी के त्यौहार के नाम से कौन सा जाना जाता है? आंसर इज़ दिवाली। त्यौहारिवाली डू यू कॉल अ शेप विच हैज थ्री साइड्स उस शेप को क्या कहेंगे जिसके थ्री साइड्स होते हैं आंसर इज ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स अभी आपने जो ये जीके क्वेश्चंस आपको मैंने एक्सप्लेन किए वो आपने अच्छे से समझ समझे होंगे आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से आपको एक बार फिर से ये वीडियो बहुत केयरफुली देखना है और ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अपनी नोटबुक में भी राइट करने हैं इन्हें लर्न भी करना है पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको जी के क्वेश्चन भेजे हैं उसको आपको फिर से एक बार रिवाइज़ करना है जिससे कि आपको वो अच्छे से समझ में आए और आप उन्हें भूले नहीं ये आपके नॉलेज के लिए होते हैं स्टडी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे जी के कुछ नॉलेज ऐसा होता है जो आपको होना जरूरी होता है उससे आपको पढ़ना भी चाहिए समझना भी चाहिए और लर्न भी करना चाहिए ओके स्टूडेंट्स नाउ एंड स्टॉप माय चैप्टर हियर ओके स्टूडेंट्स वी विल मीट अगेन विद ए न्यू क्लास ओके स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे ऑल द बेस्ट